अहबाब गिरामी ये तो पूछे कोई इमाम शाफी से, ये तो हजरत अबू हनीफा से कोई पूछे, इमाम मालिक से कोई पूछे कि ये सुन्नियों का टॉपिक है कि नहीं है। सुन्नियों का टॉपिक ही हमेशा ये रहा है, अली अली करना, अहले बैत के गुण गाना। और हजरत इमाम शाफी तो डंके की चोट पे कहा करते थे कि अहले बैत रसूल हम तुम्हारा दामन कैसे छोड़ दें, हमारी नमाज नहीं होती जब तक तुम पर दुरूद सलाम नहीं पढ़ते। इसलिए अहबाबे गिरामी आओ जुड़ जाएं अहले बैत अतहार के साथ, वाबस्ता हो जाएं अहले बैत अतहार के साथ। ये हमें जो दूरियां हैं हमारी अहले बैत अतहार से, ये हमारे लिए नुकसान दें। देखें कौन सा शख्स है जो अहले बैत के करीब हुआ और घाटे में रहा, कोई ढूंढे, कोई एक मिसाल ले हैं किसी भी फील्ड के, कोई एक शख्स जो अहले बैत के करीब हुआ और उसको नुकसान हुआ या वो पीछे रह गया, वो कमी में रह गया। जिस तरह अदील पुत्र पढ़ रहा था कि आओ करें मीसमो तम्मार की बातें, हैं? ये क्यों पढ़ रहे हैं आज, इनका नाम हम क्यों कर रहे हैं? सहाबाए किराम तो बड़े बड़े सहाबाए किराम हैं, तो इसलिए अहबाबे गिरामी ये क्या है। उन्होंने बताया कि लोगों, चूंकि उनसे सीखना है ना हमने सहाबा से, उनकी जुबानें काटी गई, जुबानें। इब्ने ज़ियाद ने जब कहा ना, अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कि मैं तेरी जुबान काट दूंगा, तो हजरत मीसम हजरत मीसम तमार फरमाते, मुस्कुराए, फरमाए वाकया ही तू मेरी जुबान काटेगा, मुझे मेरे मौला ने बताया था। उसने कहा अब नहीं काटूंगा, क्योंकि अब तूने अली का नाम ले दिया, अब नहीं काटूंगा, मैं तुम्हें साबित करूंगा कि तेरे अली की हर बात सही नहीं है। उन्होंने फरमाया क्या मैं आपसे मस्जिद में बैठा कैसे मुखातब किया उसको, फरमाया तू काटेगा, तेरी क्या जुरत है कि तू ना काटे, तुझे काटनी है क्योंकि मेरे मौला ने फरमाया है तू लाख कह होगा वैसे ही जैसे मेरे मौला ने इत्तला दी। अच्छा बिल आखिर वो वक्त भी आया कि उसने कहा इसको जेल से निकालो, ये तो लोगों को गुमराह कर रहा है। गुमराह क्या कर रहा था? जेल वाले लोगों को फजाइल अली बताता था, जेल में पड़े लोगों को क्या बताता था, नमाज नहीं, रोजा वगैरह भी नहीं। ये तो सारे वो चुके मुसलमानों का दौर था ना, नमाज ना थे उदों भी बड़ा जोर सी। फजाइल अली जेल में, इब्ने ज़ियाद से कहा वो तो लोगों को अली के फजाइल सुनाता है, अली की करामात सुनाता है, अली की बुजुर्गी सुनाता है। बर्दाश्त ना हुआ, पता चला कि फजाइल अली ना उस इब्ने ज़ियाद को बर्दाश्त थे, ना आज के दौर के इब्ने ज़ियाद को बर्दाश्त। फजाइल अली कभी किसी दौर के यजीद और इब्ने ज़ियाद को बर्दाश्त नहीं। उसने कहा इसको जेल से निकालो, जेल से निकालो इसको, अकेला करके सूली पे लटका, सूली पे लटका दिया। हजरत मीसम तमार आप वहां थे, आपने फरमाया जो भी गुजरता लोगों तुम्हें पता है मुझे यहां सूली पे किसने लटकाया है, इसका बाप कौन था, इसकी मां कौन थी? तो अहबाबे गिरामी उसको फिर सिपाहियों ने कहा वो इब्ने ज़ियाद हो तो तेरे शजरे फोल दे, हाँ वो तो बताता है कि इसकी माँ ऐसी थी। उसने कहा उसकी जुबान काट दो, काट दो जुबान। अच्छा जुबान काट दी, फिर वो आया तो आपने उसको फिर इशारे से कहा कि अब तू माना है कि मेरे अली ने कहा था तुझे करना पड़ा, तो मेरा अली सच्ची खबरें देता है, ये अली पाक के कहने की वजह से नहीं मेरी जुबान कटी, क्योंकि तूने काटनी थी इसलिए मेरे अली ने कहा था। इसलिए उन्होंने दार पे चढ़ के लोगों को कहा ओए इस दौर के लोगों, तुम्हें तो ज्यादा से ज्यादा कोई शिया ही कह देगा ना, हमें देखो हमने जुबानें कटवाई हैं, अली अली करना नहीं छोड़ा, अली अली करना नहीं छोड़ा, जुबान कटवा दी, अली पाक का जिक्र नहीं छोड़ा। तो इससे बड़ी हौसले की और कौन सी बात हो सकती है कि हमारे बुजुर्ग अपनी जुबानें कटवा दें, सूली पे लटक के अपनी जानें दे दें, लेकिन जिक्र अली ना छोड़े। ये उन्होंने बताया, मेरे रसूल पाक ने फरमाया था कैसे अब्बा इनका दामन नहीं छोड़ना। आप मुझे ये बताएं कि वो जो सहाबी थे वो नमाजी नहीं थे, उन जैसा नमाजी किसका कौन होगा, उन जैसा तिलावत करने वाला कौन होगा।
उन जैसे रोजेदार कौन होंगे, लेकिन उन्होंने अपने इन तमाम तर मामलात के बावजूद भी अली पाक का दामन पकड़ के रखा। और ये ही वो लोग थे कि जिनसे हमें पता चला कि मेरे रसूल पाक ने फरमाया था कि ऐ सलमान, अगर सारा जमाना एक रास्ते पे जा रहा हो और अली अकेला एक रास्ते पे जा रहा हो, ये ना देख रश इधर है, ये देख हक अली के साथ, रश नहीं देख। मेरे नबी पाक ने फरमाया रश देख के हक का मेयार कायम ना करो कि इधर रश है, बल्कि हक का मेयार कायम ये करो अली किधर है, ये हक का मेयार। वो अकेला एक रास्ते पे जा रहा हो, एक रास्ते पे भीड़ लगी हुई हो, इधर अली जा रहा है उधर चल पड़ो आंखें बंद करके, वो हक का रास्ता, वो सिराते मुस्तकीम है। इसलिए अबाबे ग्रामी पढ़िए, सीरत पढ़िए, अपने मस्जिदों के जो मोहल्लों के इमाम हैं उनको मजबूर करें कि जिस तरह हम हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, दीगर सहाबा के जिक्र करते हैं अपने मस्जिद के जुमे के खुतबों में, 12 इमामों का जिक्र सुने, उनसे कह कह के सुने, इसी बहाने आपकी भी इबादत हो जाएगी और उन हजरत साहब की भी इबादत हो जाएगी। कहें उनको कि हजरत अभी जिस तरह ये ज़िलहज में यौम गदीर आने वाला, अभी ज़िलहज में यौम गदीर आने वाला, हज के फौरन बाद 18 ज़िलहज को, तो अपने अपने मोहल्ले में हजरत से कहें कि हजरत जरा गदीर की भी कोई कहानी सुना दें थोड़ी सी। हाँ ये देखें, ये सुना दें अपने अपनी तबीयत के मुताबिक सुना दें, जैसे आपको समझ आया वैसा ही सुना दें। हम नहीं कहते जैसे हमें समझ आया वैसा सुना, नहीं, जैसा तुम्हें समझ आया ना सुना तो सही कि मेरे नबी ने अली का हाथ बुलंद करके कहा क्या था, मन कुन तो मौला हो फाली क्यों मौला हो, ये तो सुना लोगों को कि हज से वापसी का मंजर था। इसलिए अहबाबे गिरामी ये हमें हिम्मत करनी पड़ेगी तो इनकलाब आएगा ना। उनसे कहें, आप अपने अपने मोहल्ले के मौलवियों से कहें कि यह दिन है, ये हजरत इमाम जाफर सादक, इमाम बाकर, जो हमारे इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं, इमाम अबू हनीफा के क्या है, उस्ताद हैं, उनके मुर्शिद हैं, उनके पीर हैं, और हमें अबू हनीफा दे पीरां दी करना जरा गल, इमाम अबू हनीफा के उस्तादों की जरा बात करो ना। इस जाविये से हम करेंगे तो अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इसलिए अहबाबे गिरामी दुआ करें कि अल्लाह हमें अहले बैत इतहार से मुतमस्सिक रहने की तौफीक दे, और जो हक सच में इनसे जुड़ जाता है उसको फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह से पैगाम आता है कि ये मेरा पैगाम नहीं है, ये हमारे अबाओ अजदाद का पैगाम है कि जो हमारी सीरत पे अमल नहीं करता, हमारे तरीके पे नहीं चलता, वो हमारा नहीं है, हमारा बनने के लिए हमारी सीरत पे भी अमल करो। ये पैगाम आएगा वहां से, इंशाल्लाह पाकीज़गी मिलेगी। तो ये जो फर्द है ये भी उसी खानवादे के फर्द हैं, सादात हैं। तो इसलिए, और मैं ये, आप जाएं तारीख अपने इलाके की ढूंढ लें, कौन से मौलवियों ने यहाँ ये सारा काम किया है। यहाँ भी एक सैयदी जिसको सैयद जमात अली शाह साहब कहते हैं, अल्लाह ने उनकी ड्यूटी लगाई जिन्होंने सारे इलाके की काया पलटी और ये मस्जिदों और इन मदरसों की बुनियादें रखी जिनमें बैठ के आज उन्हीं सादात के खिलाफ हर वक्त हरजा सराई की जाती, ये मस्जिदें और मदारस की बुनियादें रख के दी मेरे वालदे ग्रामी। जाए पूछें इनसे, पूछ लें कि किसने ये बुनियादें रखी, और ये रबीउल अव्वल में जज्बाए मोहब्बत, ये सरफरोशी किसने सिखाया इस इलाके वालों, और अहले बैते तहार कौन, कितने ईसाई, ये पूरी इधर वाली बस्ती है जो मुसलमान की मेरे वालदे ग्रामी ने, दूर पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने। इसलिए मैं कहता हूं मैं हैरान हूं, दीन तो हमारे घर का है, अब हम इनसे दीन सीखेंगे, जिनके बड़े अभी तीसरी चौथी पुश्त में कोई सिख था कोई हिंदू था, वो सैयदों को दीन सिखाएंगे, सादात को, उनके लिए बैठ के फतवेबाजियां करेंगे। तो इसलिए अहबाबे गिरामी ये जिस जिधर भी आप चलेंगे, जाएं आप पाकिस्तान के कोने खुदरे पोल कर, परचोल करके देख ले, हर इलाके में कोई सैयद बैठा हुआ है जिसने वहां पर अपने कदम रखे और कदम रख के वहां पर इस्लाम की तबलीग की और लोगों को मुसलमान किया। पूरे बर्रे सगीर में हजूर दाता गंज बख्श कौन है, हजरते ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कौन है, हजूर गौसे पाक कौन है,
یہ کون لوگ ہیں؟ خواجہ نظام پاک کون ہے؟ یہ بابا جی بلے شاہ وارث شاہ صاحب کون ہیں؟ یہ سادات ہیں، اہل بیت ہیں، انہوں نے کایا پلٹی ہے بر صغیر کی۔ اس لیے احباب گرامی، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حوض کوثر پر میرے سامنے آنا چاہتے ہو محبت کے لہجے میں، تو قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑ لو، یہ کٹھے ہی آ رہے ہوں گے، تمہیں بھی لے آئیں گے، اور میں تمہیں پانی سے سیراب بھی کروں گا، تمہاری شفاعت بھی کروں گا، اور تم پر کرم بھی کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ہوگی۔ دعا ہے کہ میرا مالک آپ کا، میرا سب کا حامی و ناصر ہو،